नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई सपना पूरा करना हो तो उससे पहले आपको उस सपने को देखने की जरूरत होती है। अब ऐसा ही एक सपना हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने और हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था कुछ वर्षों पहले। वो सपना था मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का। नाउ सपना ये था कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे लगभग हर फील्ड में, और फॉरेन की जो कंट्रीज़ हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें अपने आवश्यकताओं के लिए। नाउ आज वो मेक इन इंडिया लगभग हर फील्ड में काम कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। और आज जिस फील्ड की हम बात करने वाले हैं वो फील्ड है ड्रोन टेक्नोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो डिफेंस से लेकर ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज हर चीज़ में एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली है, और आने वाले फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में से ड्रोन टेक्नोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। चाहे डिफेंस हो या फिर कोई ऑर्डर डिलीवरी करना हो या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो या एग्रीकल्चर हो, हर फील्ड में ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान रहने वाला है। नाउ गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्या इंडिया ड्रोन का एक्सपोर्टिंग हब बन पाएगा, और मेक इन इंडिया के तहत ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने सारे स्टेप्स उठाए गए, ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ अभी कल ही हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ड्रोन मेले का उद्घाटन किया है, और इसके चलते जो काफ़ी सारे इंडियंस ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि ड्रोन इंडस्ट्री में अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या फिर काफ़ी सारे ड्रोन स्टार्टअप्स जो कि इंडिया को एक स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, उनको इस ड्रोन मेले से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और जो गवर्नमेंट है वो वेरियस तरह की स्कीम्स चला रही है जैसे स्टार्टअप इंडिया, इन सब के माध्यम से अगर जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं खेती की यूज में ड्रोन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो गवर्नमेंट उनको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करेगी। और ड्रोन का अगर आप देखें तो उसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे कि ड्रोन का आप यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकते हैं। काफ़ी समय हमको अगर दवाइयों का स्प्रे करना होता है, कहीं फसल में बीमारी लग जाती है तो हमें पता नहीं चल पाता कि कहाँ फसल अच्छे से करें और कहाँ फसल में ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है और कहाँ कम की ज़रूरत है। तो ड्रोन जो है ये अपने हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जहाँ ज़्यादा दवाई चाहिए वहाँ ज़्यादा और जहाँ कम चाहिए वहाँ कम अपने आप ही छिड़काव कर सकता है। ना ड्रोन का जो यूज़ है हम मैपिंग में कर सकते हैं, अगर हमें कहीं की मैपिंग करनी है तो वहाँ पर हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। फूड डिलीवरी सर्विस में कर सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग, इन सब चीज़ों में हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सबसे बड़ा जो ड्रोन का यूज़ है वो हम कर सकते हैं डिफेंस के सेक्टर में, दुश्मन पे नज़र रखने के लिए या फिर बॉम्ब करने के लिए, उनकी जो काफ़ी मेजर इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे उन्होंने अपने बम बारूद रखे। नाउ आपने देखा कि आर्मेनिया अजरबैजान का जो युद्ध है वो टर्किश मेड बैरेक्टर TB2 ड्रोन्स के चलते ही काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया, और जो टर्किश मेड बैरेक्टर TB2 ड्रोन्स हैं उनके वजह से आर्मेनिया को अजरबैजान ने हरा दिया। अगर आप देखें तो यूक्रेन इतने दिनों से जो रशिया को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स हैं टर्की के मेड जो बैरेक्टर TB ड्रोन्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो काफ़ी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। नाउ आपको ये जान के हैरानी होगी कि आने वाले समय में जो इंडिया का ड्रोन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का जो ड्रोन मार्केट है वो लगभग $2 बिलियन तक 2025 तक पहुँच जाने वाला है, इसीलिए और लगभग ये 10.96% से ग्रो करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ दिनों पहले ही जो फॉरेन से ड्रोन्स हैं जो कि नॉन मिलिट्री पर्पज़ के लिए हैं उनको उनके इंपोर्ट पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था, और गवर्नमेंट ने यह कहा था कि अब इन नॉन मिलिट्री यूज़ के लिए सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत जो ड्रोन बनेंगे उसी का यूज़ किया जाएगा। नाउ ये सब सुन के काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये तो ड्रोन इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, लेकिन इससे मेक इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और वो लोग जो कि वाकई ड्रोन फील्ड में आगे आना चाहते हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा, और उनको वेरियस तरह से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रही है। नाउ इंडिया इससे ना सिर्फ अपने लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत हो पाएगा, बाकी सारी कंट्रीज़ को एक एक्सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि लोग चाइनीज़ मेड चीज़ों से परेशान हो गए हैं और वो उनको लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी का खतरा रहता है। ना ये सब देख के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।